नीमराना में दो महापुर एक सोसाइटी में दोस्तों के बीच चल रही शराब पार्टी में कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में गोलियां तक चल गई। गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई जिसमें मुख्य आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मामला नीमराना स्थित अनंतराज सोसाइटी का है जहाँ 5 दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जिसमें गोलियां तक चल गई। इसमें दीपक कुमावत की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसमें अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं वांछित चल रहे 3 अपराधियों में से एक शम्मी सरदार निवासी नारनौल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि घटना 31 जनवरी की है, जब अनंतराज सोसाइटी में ये लोग शराब पार्टी कर रहे थे, जहां किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ, जिसमें गोली लगने से दीपक कुमावत की मौत हो गई थी। इस मामले में वांछित अपराधी दीपक यादव, मोहित और शम्मी सरदार फरार चल रहे थे। उनमें से शम्मी को नारनौल से गिरफ्तार किया गया है। ये 31 जनवरी को रात को यहाँ अनंतराज सोसाइटी है, उसमें फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति दीपक कुमार की डेथ हो गई थी। उस समय हमने एक मुख्य अभियुक्त जो था मोंटी, उसको अरेस्ट कर लिया था जिसने फायरिंग की थी। उसके अलावा 3 अभियुक्त और वांटेड थे जो उस दिन से घटना के टाइम से ही फरार चल रहे थे। उन 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त शम्मी सरदार निवासी नारनौल है, उसको कल हमने नारनौल में दबिश देकर अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उसको तीसरी रिमांड पर प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद में रिकवरी की प्रयास हम करेंगे और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी के भी प्रयास करेंगे।